पूरे भोजपुर वासियों से अनुरोध किया था और पुनः अनुरोध है कि जो भी कोई अपना शादी विवाह या कोई तिलक का कार्यक्रम का आयोजन करता है या अन्य आयोजन करता है, ये आयोजककर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करें कि उनके कार्यक्रम में कोई भी उनका नाते रिश्तेदार या जो भी सम्मिलित होने आ रहा है उनके जानने वाले ही होते हैं, तो उनको सचेत करें कि वहाँ पर किसी भी प्रकार से हर्ष फायरिंग की घटना को अंजाम न दें, क्योंकि हर्ष फायरिंग वो पूरी तरीके से जो है इलीगल और प्रतिबंधित है, और किसी भी प्रकार से अगर हर्ष फायरिंग की घटना होगी तो ये माना जाएगा कि जो संबंधित आयोजन करता है उनकी खुद उसमें सहमति है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और अभी हम लोगों को जो है मुख्यालय से आदेश भी प्राप्त हुआ है, हम लोग अभी ये भी करने जा रहे हैं कि जो लोग ऐसी हर्ष फायरिंग में अपना जो है लाइसेंसी हथियार वगैरह लेकर जाते हैं उनके लाइसेंसी हथियार को जब्त करते हुए उनके खिलाफ विधिक न सिर्फ विधिक कार्रवाई की जाएगी बल्कि उनके हथियार को जो है जब्त करके उनको रद्दीकरण के लिए जो है जिला सत्र अधिकारी के पास उसको भेजा जाएगा। इस तरीके से जो भी अवैध अपना चाहे वैध चाहे अवैध शस्त्र का उपयोग अगर हर्ष फायरिंग में कहीं ले जाने की कोशिश करता है उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आपने सुना होगा गुरुकुल, लेकिन अब देखने को कहाँ मिलता है। परंतु आज भी कहीं कहीं ऐसा विद्यालय है जहाँ पर गुरुकुल की परंपरा देखने को मिलती है, जहाँ पर संस्कार और अनुशासन कुट कुट कर भरे हुए हैं। आरा में मझुआ स्थित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय इसका जीता जागता उदाहरण है, जहाँ पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार और अनुशासन बच्चों के अंदर कुट कुट कर भरे जाते हैं, जहाँ पर बच्चों के अंदर आत्मनिर्भरता और सादगी के गुण पिरोए जाते हैं। स्वच्छ वातावरण, सुंदर माहौल, अनुशासन, संस्कार और सादगी का प्रतीक संभावना आवासीय उच्च विद्यालय कुशल शिक्षकों के नेतृत्व में शिक्षा के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट्स, योगा, पीटी, ईटीसी बच्चों को सिखाए जाते हैं, जहां पर हर वर्ग के अभिभावक अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। संभावना आवासीय उच्च विद्यालय मझौआ आरा।